बढ़ते आगे, यूपी में सुरक्षा के तमाम दावों के बीच थाने से पास हुई हत्या से हर कोई हैरान है। वजह कोई भी हो, लेकिन ये घटना अपराध पर लगाम लगाने वाले दावों पर वाकई सवाल खड़ा करती है। कानपुर में एक बजरंग दल के नेता की मौत से कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगे, ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार की रात कानपुर में एक कत्ल की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कुछ अज्ञात लोगों ने बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक विजय यादव पर अरमापुर थाने के पास ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। दौड़ा दौड़ा कर चेहरे और गर्दन पर चापड़ और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। हत्या के पीछे 5 लाख रुपए के लेन देन के विवाद की बात सामने आ रही है। दम तोड़ने से पहले भाई को फोन पर इंद्र बहादुर ने पूरी घटना की जानकारी दी। हमले की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और विजय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। हालांकि मौत से पहले विजय यादव ने अपने बयान में हमलावरों का नाम भी लिया है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में रहने वाले विनय झा ने विजय से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और रुपयों के लेन देन में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस वारदात की वजह पुरानी रंजिश बता रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। जब हमारे भाई का फर्नीचर का कारखाना था तो 5 लाख रुपए बिना जाने लिए थे। ठीक, जब भाई हमारे मांगा करते थे तो बिना जा हमेशा लड़ाई झगड़ा करना या झूठा मुकदमा लगा देना या घर पे गए तो कुछ भी ऐसा करके प्रताड़ित कर देना, मारपीट करना, ये सब करना करते थे। तो इन्होंने 2 दिन बाद तुरंत SSP ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी कि मेरी जान माल को खतरा है और रावतपुर चौकी से पुलिस वाले भी आए थे इंक्वायरी के लिए। उसके बाद ये आज की तारीख में उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। कल्याणपुर थाना इलाके के रावतपुर गांव में रहने वाले विजय यादव की फर्नीचर की दुकान है। विजय पूर्व में बजरंग दल का जिला संयोजक था। शुक्रवार देर शाम करीब 8 बजे विजय अरमापुर थाने के पीछे मजार के पास रक्त रंजित हालत में पड़ा देखा गया। राहगीरों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर CO नजीराबाद सूर्य प्रताप सिंह और अरमापुर थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ पहुंचे और लहूलुहान हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बजरंग दल के पूर्व संयोजक की हत्या की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में BJP, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग करने लगे। मृतक विजय ने कुछ दिन पहले ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन तब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि इस हत्याकांड के बाद भी पुलिस का रवैया बेहद लापरवाही भरा रहा। अब पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर अपना दामन बचाने में जुटी है। 5 लाख रुपए का कोई लेन देन का, उसकी डिटेल अभी पता की जा रही है, लेकिन पुराना इनका आपसी एक रंजिश चल रही है, उसको लेके संभवतः हत्या की गई है। बाकी इनको टीम बना दी गई है इनकी गिरफ्तारी के लिए और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किस और कौन, इसके अलावा कोई और तो नहीं था और इसके अलावा मोटिव क्या था। कानपुर में पुलिस की लापरवाही के चलते बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक की चापड़ से काट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक सप्ताह पहले ही मृतक विजय ने SSP से खुद की हत्या की आशंका जताते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अब विजय की हत्या हो चुकी है और पुलिस इस मामले में अपनी सफाई देती नजर आ रही है। के न्यूज के लिए कानपुर से विपिन गुप्ता की रिपोर्ट। खुदा रहा फसाया हमने लड़का के झूठा।